नमस्कार। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा ही मन है और चंद्रमा ही समृद्धि है, चंद्रमा ही सुंदरता है, चंद्रमा ही जीवन में सब कुछ प्रॉस्पेरिटी समृद्धि प्रदान करने वाला ग्रह है। यही मनुष्य को अच्छा खान पान, अच्छे विचार और अच्छी सुख समृद्धि प्रदान करने वाला ग्रह होता है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं, सातवें स्थान में जो चंद्रमा है वो क्या क्या प्रदान करता है। सातवें स्थान में अगर किसी जातक के चंद्रमा होगा तो उसका जो जीवन साथी लाइफ पार्टनर होगा वो नौकरी करेगा, अच्छी बिजनेस करेगा या पैसा कमाएगा। आदमी अगर पुरुष है तो उसकी स्त्री किसी अच्छे पद पर काम करेगी और नौकरी से पैसा कमाएगी, शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए होंगे और या किसी IAS ऑफिसर भी हो सकती है या डॉक्टर होगी। ये ऐसा ग्रहों का समीकरण बताता है। जिस मनुष्य के सप्तम भाव में चंद्रमा होगा वो कुंवारा कभी नहीं रहता। स्त्री बड़ी सुंदर, गुणवान, कई प्रकार की कलाओं में निपुण होती है। इसके अलावा उसकी पत्नी बहुत स्वस्थ रहती है और मनोहर, रुचिर भोजन करने वाली मनोहारिणी, सबको प्रिय जो स्त्री है उसका पति बड़ा मनोहर होगा। तो ये सब जस्ट अपोजिट, स्त्री की कुंडली में चंद्रमा है तो पति उसको अच्छा प्राप्त होगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति बहुत सुंदर होते हैं क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि लगन पर होगी और धनवान होते हैं, रूपवान। ऐसे व्यक्ति दयालु और भ्रमणशील, एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठते, कई प्रकार के भोग जीवन में प्राप्त करते हैं। व्यापार से विशेष कर विदेश में जाकर धन बहुत कमाते हैं। आशातीत अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होता है, कभी सोचते नहीं कि इतना धन मिलेगा। और मीठे मीठे व्यंजन और उनको जो स्वीट रेसिपीज जो है ना ज़्यादा पसंद आती है, मीठी चीज़ें। इनका चित्त अत्यंत ललचाने वाला होता है। इन्हें अकस्मात किसी स्त्री कुल से, जो पुरुष है तो स्त्री कुल से उसको धन का लाभ होगा और स्त्री है तो पुरुष के अपने ससुराल के खानदान से लाभ होता है। ठीक इसी प्रकार वाणी गंभीर होती है इनकी और ये बहुत गंभीर बुद्धि वाले, सीरियस, रिजर्व नेचर के होते हैं और दूसरों को प्रसन्न करने की कला इनके अंदर बाय नेचर, जन्म से ही ये जानते हैं हाउ टू अट्रैक्ट अदर पीपल, हाउ टू विन आवर फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, दूसरों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करना, दे नोज वेरी वेल। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति नम्र स्वभाव के, बहुत विनम्रता से बात करते हैं और दूसरा व्यक्ति इनको बड़े नम्रता से और विनय से, इनके अनुनय विनय और प्रार्थना करने से इनको अपना बना सकता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर ज़्यादातर ईगो, कई बार अहम बहुत होता है, इसीलिए ये जिस स्थान में रहते हैं वो उस स्थान में इनका मकान बड़ा सुंदर, राजा के महलों के समान वैभवपूर्ण, जिसके अंदर हर प्रकार की लग्जरियस चीज़ें और सुख साधनों का सामान सब उपलब्ध रहता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। व्यापार में, नौकरी में कभी ये स्टेबल नहीं रहते, जिसके कारण इनको कई प्रकार के जॉब, नौकरी, व्यापार चेंज करने पड़ते हैं। यह स्थिरता इनके जीवन में, अनस्टेबिलिटी 36 साल की उम्र तक बनी रहती है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति कभी कभी मेडिसिन की दुकान करता है, कभी किराने का ग्रोसरी आइटम्स बेचता है, कभी दवाई, इस प्रकार की जो वाइट चीज़ें हैं ना, सफ़ेद चीज़ें, इनका व्यापार करने में इंटरेस्ट होता है उसका। होटल, कमीशन एजेंट, इंश्योरेंस का काम करना, इस टाइप के
एजेंट का काम भी इनके लिए बहुत लाभदायक होता है। ऐसे व्यक्ति ससुराल पक्ष से बहुत धन लाभ प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति को जल और पर्यटन, समुद्र में जहाज से यात्रा करना और पानी के जहाज से व्यापार करना, कंटेनर किसी दूसरे कंट्री से लाना ले जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि चंद्रमा जल है, जल का कारक है, मन भी है। इसी प्रकार जल के व्यापार, जो बिस्लेरी की बोतल है पानी के व्यापार की, ये जिस जो भी मालिक होगा उसके सप्तम भाव में चंद्रमा जरूर होगा। साझेदारी के व्यापार में इनको लाभ होता है, क्योंकि चंद्रमा साझेदारी कराता है, पार्टनरशिप। व्यापार में साझेदारों से, पार्टनरों से इसको अनएक्सपेक्टेड बहुत लाभ प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। धन्यवाद।